डांस दीवाने में आ रही हैं मस उर्मिला मातोंडकर। दिल बड़ा धक 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 कर रहा है। तो इमेजिन लाखों हजारों करोड़ों इतने वर्षों कैसे बिचारे सरवाइव हुए होंगे, क्योंकि मैं जो हूँ खुद धक धक गर्ल के सामने खड़ी हूँ। हो जा शर्मीला रे, नहीं बिल्कुल हो जा रंगीला रे वाला परफॉर्मेंस था फैबुलस। अब वक्त आ गया है कि उसे रोज दिया जाए जो फाइनली डेट पे जाएगा, तो जिसके हाथ में रोज उसके साथ डेट। बोलिए ओ क्या बात है। मुझे आपको देख के ना एकदम यंग यंग क्यूट क्यूट वाले आमिर खान जी की याद आ रही है। बिल्कुल वही अंदाज है, बिल्कुल वैसे ही परफेक्शनिस्ट एक अपना एक्ट करने की कोशिश है, और बिल्कुल वैसे ही शर्मिला शर्मिला से एक अंदाज भी है। हालांकि आमिर पर्सनली काफ़ी नॉटी है, लेकिन मैं स्क्रीन इमेज की बात कर रही हूँ। तो बहुत कम लोग जानते हैं शायद कि जब रंगीला फिल्म की मैं डबिंग कर रही थी तो मैंने जब आमिर जी का परफॉर्मेंस देखा दंग रह गई, और मैंने उनके लिए एक लेटर लिखी थी जिसमें मैंने लिखा था लेटर्स आपको इसके बाद बहुत आएंगे इस परफॉर्मेंस के लिए और अवार्ड्स भी मिलेंगे, लेकिन ये पहला फैन लेटर होगा आपको। तो आज मुझे क्योंकि इनको देख के उनकी याद आई है, मैंने आपके लिए भी एक फैन मेल लिखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आमिर वाले फैन मेल में एक चीज नहीं थी जो आपके फैन लेटर पे होने वाली है। I have no words. It was a kambakht performance.